हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय सुमेध सर। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट और ट्रेपेजियम के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे टॉपिक की। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। देखिए, हम क्वाड्रिलेटरल किसे कहेंगे? अगर हमारे पास चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, अगर हमारे पास चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है और इन्हें हम ज्वाइन कर देते हैं। देखिए, इस तरह से मैं इन्हें ज्वाइन करने जा रहा हूं। ये देखिए, मैंने चारों पॉइंट्स को ज्वाइन किया हूं और इसे मैं नाम देने जा रहा हूं ए, बी, सी और डी। तो जो चारों पॉइंट्स ज्वाइन करने पर ये जो फिगर फॉर्म हुआ है, इसे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो प्रत्येक क्वाड्रिलेटरल में चार साइड्स होते हैं और चार एंगल्स होते हैं। देखिए, इसके कौन कौन से साइड्स है। सबसे पहले देखिए, इसमें साइड ए बी, दूसरा साइड देखते हैं वो है साइड बी सी, ये लिख दिया हूं मैंने। तीसरा साइड देखिए वो है साइड सी डी, उसके बाद नंबर चार में साइड ए डी। तो इस तरह से देखिए क्वाड्रिलेटरल के चार साइड्स होते हैं, प्रत्येक क्वाड्रिलेटरल में चार साइड्स होते हैं। अब एंगल्स देखिए, तो देखिए फर्स्ट एंगल एंगल ए, सेकंड एंगल उसके बाद एंगल बी, थर्ड एंगल एंगल सी और फोर्थ एंगल एंगल डी। तो देखिए प्रत्येक क्वाड्रिलेटरल में चार साइड्स और चार एंगल्स होते हैं, साथ में क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। दैट मींस द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो आइए शुरुआत करते टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्क्वायर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्वल का ही मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। सेकंड है ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ईच इज 90 डिग्री। तीसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। चौथी है डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मींस राइट एंगल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको फिगर के माध्यम से समझा देता हूं। देखिए, मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने फिगर ड्रॉ किया, इसे नाम दे देते ए बी सी डी, ये हो गया आपका ए बी सी डी स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब सभी साइड्स इक्वल रहेंगे इस स्क्वायर के, ए बी बी सी सी डी और ए डी। तो देखिए सभी साइड्स इक्वल मतलब ए बी के इक्वल में बी सी, बी सी के इक्वल में सी डी, सी डी के इक्वल में ए डी, मीन्स चारों साइड्स इक्वल है। पहली प्रॉपर्टी यही कहती है कि चारों साइड्स इक्वल है। अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ईच इज 90 डिग्री, इसके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का, मीन्स एंगल ए 90, एंगल बी 90, एंगल सी 90 और एंगल डी 90। इसका मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये सभी एंगल्स इक्वल और सभी एंगल का मेजर कितना रहेगा 90 डिग्री। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसका मतलब ये है अपोजिट साइड्स, देखिए ए बी, ये साइड ए बी और साइड सी डी, ये दोनों पैरेलल साइड्स है, मतलब ए बी ये पैरेलल है सी डी को, साथ में ये अपोजिट साइड्स है देखिए बी सी और ए डी, बी सी और ए डी, तो ये बी सी पैरेलल है इसे ए डी को। चौथी प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इसका मतलब ये डायगोनल्स देखिए किसे कहेंगे, ये जो अपोजिट वर्टेक्स इसे मैं ज्वाइन कर रहा हूं ए और सी को, इसे आप कहेंगे डायगोनल, मतलब पहला डायगोनल हो गया ए सी, दूसरा ये अपोजिट वर्टेक्स बी और डी में ज्वाइन करने जा रहा हूं, ये आपका दूसरा डायगोनल हो गया बी डी। तो ये जो डायगोनल्स है ए सी और बी डी, ये दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल, मींस ए सी के इक्वल में बी डी रहेगा, ये दोनों डायगोनल्स इक्वल और दोनों बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते कहां पर 90 डिग्री, मतलब जहां दोनों डायगोनल्स मीट होते हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है दोनों डायगोनल्स के इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे मैं यहां पे पॉइंट ई देने जा रहा हूं, तो देखिए इसका मतलब ऐसा हो जाएगा कि
AE के इक्वल में इस AE के इक्वल में EC रहेगा और ED के इक्वल में EB रहेगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि E ये मिड पॉइंट है किसका, दोनों डायगोनल्स का, मींस E इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एंड डायगोनल BD। तो ये हमने पढ़ा स्क्वायर के बारे में। तो आइए सेकंड में हम देखते हैं रेक्टेंगल के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं और साथ में ये प्रॉपर्टीज भी आपको एक्सप्लेन कराता हूं। देखिए इस तरह से ये फिगर मैं बना रहा हूं, ये फिगर है रेक्टेंगल का, इसे मैं नाम देने जा रहा हूं ए बी सी डी। ये हो गया आपका रेक्टेंगल का फिगर। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसका मतलब ये होता है कि ये जो अपोजिट साइड्स है ए बी और सी डी, ये दोनों पैरेलल है, मतलब ए बी पैरेलल है सी डी को, साथ में ये अपोजिट साइड है ए डी और बी सी, तो ये ए डी और बी सी ये दोनों भी पैरेलल है। इस तरह से अपोजिट साइड्स ये पैरेलल हो गए, साथ में ये इक्वल भी होते, इसका मतलब ए बी के इक्वल में सी डी रहेगा और ए डी के इक्वल में बी सी रहेगा। तो ये याद रखिए आप कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए क्या है, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड इच इज 90 डिग्री, मींस इसके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, सभी एंगल्स इक्वल होने के साथ साथ ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये सभी एंगल्स इक्वल है और इन सभी एंगल्स का मेजर 90 डिग्री होता है। और अब देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। डायगोनल्स देखिए इसके ये कॉन्ग्रुएंट होते, मतलब ये डायगोनल हो गया AC, दूसरा डायगोनल हो गया आपका BD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है मतलब इक्वल है, तो AC के इक्वल में BD है और साथ में ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, मान लेते यहां ई पॉइंट है तो ये बाइसेक्ट कर रहे कहां पर, ई पॉइंट पर, तो दोनों डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे ई पॉइंट पर। इसका मतलब ये होता है कि डायगोनल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इसका मतलब AE के इक्वल में EC रहेगा और BE के इक्वल में ED रहेगा। तो देखिए इस तरह से नंबर थर्ड में जो बता रहा हूं मैं, AE के इक्वल में EC रहेगा, साथ में यहां BE के इक्वल में ED रहेगा। तो आइए थर्ड में पढ़ते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। तो देखिए इसे भी हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये फिगर मैं बनाने जा रहा हूं, इस फिगर को आप कहेंगे पैरेललोग्राम, दिस इज ए फिगर ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये देखिए हमने एक पैरेललोग्राम का फिगर ड्रॉ किया, इसे मैं नाम देने जा रहा हूं P, Q, R और S। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो देखिए अपोजिट साइड्स कौन से हैं, PQ और SR, तो ये PQ और SR ये अपोजिट साइड्स है, ये पैरेलल है। उसी तरह से अपोजिट साइड्स आपके PS और QR भी है, तो PS और QR ये भी पैरेलल है। तो अपोजिट साइड्स में PQ ये पैरेलल है SR को और PS पैरेलल है QR को, साथ में इक्वल भी होते हैं अपोजिट साइड्स, मींस PQ के इक्वल में SR रहेगा और साथ में PS के इक्वल में QR रहेगा। ये हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड में देखिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब एंगल P के इक्वल में एंगल R, इस तरह से देखिए एंगल P इक्वल टू एंगल R, साथ में ये देखिए ये एंगल Q और एंगल S ये भी इक्वल रहेंगे, एंगल Q एंगल S ये दोनों इक्वल, मींस अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो P के इक्वल में एंगल R, Q के इक्वल में एंगल S। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए ये डायगोनल्स बना रहा हूं मैं, ये अपोजिट वर्टेक्स पी और आर को ज्वाइन किए, ये पहला डायगोनल PR, ये दूसरा डायगोनल Q और S को हम ज्वाइन कर देते तो ये दूसरा डायगोनल बन गया QS, और मान लेते ये दोनों डायगोनल्स यहां T पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते, मींस बाइसेक्ट करते हैं,
तो ये जो दोनों डायगोनल्स है ये टी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का ही मतलब होता है इक्वल पार्ट्स होना, डायगोनल के इक्वल पार्ट्स होना। इसका मतलब ये होता है पीटी के इक्वल में टीआर रहेगा, पीटी इक्वल टू टीआर, साथ में टीक्यू के इक्वल में टीएस रहेगा, टीक्यू इक्वल टू टीएस रहेगा। तो आइए फोर्थ में हम पढ़ते हैं रोम्बस के बारे में। तो देखिए सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करके बता रहा हूं। ये देखिए ये फिगर हमने बनाया है, इसे मैं नाम देने जा रहा हूं पी क्यू आर और एस। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी, ये सभी साइड्स इक्वल है। मींस पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी, ये सभी साइड्स इक्वल होते हैं। सेकेंड में देखिए क्या लिखा है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये है आपके अपोजिट साइड्स पी क्यू और एस आर, तो ये पी क्यू पैरेलल रहेगा एस आर को। साथ में दूसरा पेयर देखिए अपोजिट साइड का, पी एस और क्यू आर है, तो पी एस ये पैरेलल रहेगा क्यू आर को। ये हो गए आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड में देखिए क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब एंगल पी के इक्वल में एंगल आर, एंगल पी इक्वल टू एंगल आर। साथ में अपोजिट एंगल का दूसरा पेयर है Q और S, means एंगल Q के इक्वल में एंगल S। उसके बाद नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये डायगोनल बना लिया हमने, एक डायगोनल PR, दूसरा डायगोनल QS, और ये दोनों ही बाइसेक्ट करते कहां पर, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल पर। तो देखिए यहां पे ये 90 डिग्री के एंगल्स, मतलब ये राइट एंगल बन गया, और डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे मतलब डायगोनल के इक्वल पार्ट्स हो रहे। मैं यहां पे टी नाम देने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए पीटी के इक्वल में टी आर रहेगा, ये पीटी इक्वल टू टी आर रहेगा क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे। साथ में देखिए एस टी के इक्वल में टी क्यू रहेगा क्योंकि डायगोनल्स क्या हो रहे, बाइसेक्ट हो रहे। तो ये थी प्रॉपर्टीज रोम्बस की। आइए नंबर फिफ्थ में देखते हम काइट के बारे में। तो देखिए ये है फिगर काइट का, इसको फिगर के माध्यम से हम समझेंगे। इसे मैं नाम देने जा रहा हूं ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी आपका काइट हो गया, ठीक है, जिसमें ए सी और बी डी ये डायगोनल्स है, ठीक है। डायगोनल्स ये हमेशा इंटरसेक्ट होते हैं 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री के मैंने सिंबल बना दिया। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड्स मतलब ये देखिए ये आपके एडजेसेंट साइड्स हो गए, कौन कौन से, ए बी और ए डी, ये एक पेयर हो गया एडजेसेंट साइड का जो कि इक्वल होता है। दूसरा पेयर है बी सी और सी डी, तो ये बी सी और सी डी ये दूसरा एडजेसेंट साइड का पेयर है, ये भी इक्वल होता है। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी के अनुसार फर्स्ट में हम ऐसा लिख सकते ए डी इक्वल टू ए बी, साथ में बी सी इक्वल टू सी डी, मतलब एडजेसेंट साइड्स के जो दो पेयर्स है वो दोनों इक्वल होते हैं, मींस ए डी इक्वल टू ए बी, बी सी इक्वल टू सी डी। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये हो गए आपके डायगोनल ए सी और बी डी, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे कहां पर, इस 90 डिग्री पर। इसे मैं ई पॉइंट देने जा रहा हूं। उसके बाद नंबर थर्ड में देखिए क्या लिखा है, लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स स्मॉलर डायगोनल। इसका मतलब ये होता है कि ये जो बड़ा डायगोनल है कौन सा, ए सी, ये छोटे डायगोनल को, छोटा डायगोनल है बी डी, उसको क्या करता है, बाइसेक्ट। इसका मतलब ये डीई के इक्वल में ई बी हो जाएगा, तो यहां पर डीई के इक्वल में ई बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो लॉन्गर डायगोनल है ए सी, ये स्मॉलर डायगोनल बी डी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, इसीलिए डीई के इक्वल में ई बी हो जाएगा। तो ये थी प्रॉपर्टीज काइट की। तो आइए नंबर सिक्स में देखते हैं हम ट्रेपेजियम के बारे में। तो देखिए ट्रेपेजियम की कोई खास विशेषता है नहीं, देखिए उसका फिगर बना के बता देता हूं मैं आपको और साथ में प्रॉपर्टी भी बता देता हूं। तो देखिए ये हम फिगर ड्रॉ किए हैं और इसे मैं नाम देने जा रहा हूं पी क्यू आर एस। तो ये फिगर हो गया आपका ट्रेपेजियम का। इसकी एक ही विशेष बात है कि अपोजिट साइड का एक ही पेयर पैरेलल होता है। देखिए प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। अपोजिट साइड का केवल एक ही पेयर पैरेलल होता है,
मींस यहां पर ये PQ ये पैरेलल है किसे SR को, PQ ये पैरेलल है SR को, तो ये PQ साइड ये पैरेलल है साइड SR को। तो बस यही एक विशेष बात है ट्रेपेजियम के बारे में। तो हाँ स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाए। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में देखते रहिए मैथ्स सीखने के लिए मैथ्स बाय सुमेध सर। थैंक यू वेरी मच।